पंडालों में कहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर, केदारनाथ, दक्षिणेश्वर, काली तो कहीं अयोध्या के श्रीराम मंदिर नजर आएंगे। भागलपुर में दुर्गा पूजा इस बार बेहद खास है। दुर्गा पूजा को भव्य बनाने को लेकर जगह जगह तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस वर्ष दुर्गा पूजा 26 सितंबर से प्रारंभ हो रही है और 5 अक्टूबर तक रहेगी। आयोजन समिति के लोग पूजा पंडाल को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। पंडालों को भव्य रूप देने के लिए अलग अलग जगहों से कलाकारों को बुलाया गया है जो पंडाल को आकर्षक बना रहे हैं। इस बार भागलपुर में कई आकर्षक पंडाल बन रहे हैं। इस बार युवक संघ मारवाड़ी पाठशाला में अयोध्या के श्री राम मंदिर आदमपुर चौक पर, हल्दिया का दुर्गा मंदिर सत्कार क्लब कचहरी चौक पर, कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली, मुंदीचक गड़िया में केदारनाथ मंदिर, बड़ी खंजरपुर में कर्नाटक के नंदिकेश्वर मंदिर, मंदरोजा में दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाने की तैयारियां जोरों पर है। इस बार माँ दुर्गा की प्रतिमा भागलपुर में बने पंडालों में भारतवर्ष के विभिन्न मंदिरों में विराजेगी। इस बार की दुर्गा पूजा में भागलपुर के युवक संघ के द्वारा 30 लाख रुपये की खर्च से अयोध्या के बने श्री राम मंदिर का आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस बार दुर्गा माँ भागलपुर में बने अयोध्या के श्री राम मंदिर में विराजेगी। दरअसल मारवाड़ी पाठशाला में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पंडाल को राम मंदिर अयोध्या का स्वरूप दिया जा रहा है। बंगाल के मेदिनीपुर के 50 कारीगर पंडाल को बनाने में जुटे हैं। 110 फीट लंबा और 75 फीट ऊंचा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा भी बनाई जा रही है। मारवाड़ी पाठशाला में युवक संघ द्वारा हर वर्ष अलग अलग स्वरूप के पंडाल का निर्माण कराया जाता है जिसे देखने भागलपुर समेत आसपास के कई जिलों के लोग पहुंचते हैं। पंडाल का हर खंभा और मोड़ पर राम मंदिर की छटा दिखेगी। दुर्गा पूजा में इस बार भागलपुर के कई क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के पंडाल पहुंचते ही उन्हें महसूस होगा कि वे तीर्थस्थल पहुँचे हैं। अद्भुत विहंगम दृश्य को देख वे अध्यात्म और भक्ति के रस में सराबोर नजर आएंगे। हर जगह भव्य पंडाल का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। पूरे भागलपुर क्षेत्र में 25 जगहों पर पंडाल तैयार किए जा रहे हैं जिसमें तकरीबन 3 करोड़ रुपये पंडालों पर खर्च किए जाने की संभावनाएं जताई गई है। शहर में 70 जगहों पर दुर्गा पूजा होगी। बीएनपी न्यूज़ के लिए संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। कौन सा फाउंडेशन बना रहे हैं इस बार? भागलपुर युवक संघ। कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? राम मंदिर का स्ट्रक्चर बन रहा है। कितना लेबर लगा है? अभी तो 15 लेबर, 1.5 महीने से काम चल रहा है। अभी वर्किंग प्रोग्रेस में चल रहा है ये काम। कितना दिन और लग जाएगा? और तो अभी 7 दिन लगेगा टोटल। 7 दिन तो लग जाएगा। इसमें कितना बांस लगा होगा? करीब 3000 तो होगा। और कब तक उम्मीद है कि काम कंप्लीट हो जाएगा? चौथी पूजा को काम कंप्लीट हो जाएगा। चौथी पूजा तक कम्प्लीट। आप लोग कहाँ से आए हैं? बंगाल से, डायमंड हार्बर से करीब कलकत्ता का करीब आपका होगा 70 किलोमीटर दूर, वहाँ से आपके गांव से आए हैं हम। देखिए पूरा इस समय पूरा भारत में जो है राम मंदिर का इशू चल रहा था, ठीक है, वही राम मंदिर हम लोग यहाँ पे अयोध्या वाला पुराना जो ढांचा था उसका जो पुराना ढांचा था वही बन रहा है इस साल यहाँ पे राम मंदिर। देखिए राम मंदिर लेके बहुत से सेंटिमेंट लगा हुआ है काफ़ी, खास करके हिंदुओं के ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पर भागलपुर का मन भागलपुर में बन रहा है अयोध्या वाला राम मंदिर। क्या नाम हुआ आपका? तन्मय नस्कर। क्या? तन्मय नस्कर।